हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ दिस मंथ बताने जा रहा हूं। यानी बताने जा रहा हूं कि अगर आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और प्रॉब्लम यानी सम्स डिसिमल में है, तब बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर कोई सम्स यानी प्रॉब्लम इस तरह का है कि होल नंबर में, ठीक है, डिसिमल में नहीं, होल नंबर में, और ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट्स वेरी इजी उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उस क्वेश्चन में डिसिमल आ जाता है तो बच्चों की परेशानी बढ़ जाती है। अब सोचने लगते हैं कैसे बनेगा, या बनाते भी है तो काफी टाइम लगता है और गलत भी बना देते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर डिसिमल में रहेगा और ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करें, और वो भी बहुत जल्दी से यानी वेरी फास्ट और साथ में एक्यूरेसी के साथ यानी सही भी आप करेंगे, तो जरा भी परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है, विदाउट वरीनेस आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीखे, देखे कि अगर डिसिमल में होगा तो कैसे बनाएंगे। तो लेकिन आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना होगा, अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा, इसलिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसिमल से रिलेटेड जो भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इस तरह की चीज है आप वेरी इजी बना देंगे। तो क्यों ना इसे सीखे, इस वीडियो को पूरा देखें, समझे। ओके, आइए देखिए। पहला क्वेश्चन है 2.5 + 43.02, ये क्वेश्चन है। तब देखिए क्या करेंगे और कैसे बनेंगे। 2.5 देख रहे हैं, 2.5 लिख दिया, कॉलम लिख दिया। अब हम 43.02 देंगे, तो इसमें भी डिसिमल है, इसमें भी डिसिमल है, पहले वाले को लिख दिया और सेकंड वाले को इसके नीचे लिखेंगे यानी कॉलम वाइज लिखे, तो इसका भी डिसिमल है ना, तो डिसिमल यहां पर लिख दिया। देखिए इसका डिसिमल पहले हमने डिसिमल ही लिख दिया, जिससे परेशानी होती है उसी को पहले लिखते हैं। अब डिसिमल के बाद क्या है, 02, डिसिमल के बाद क्या है 02, और डिसिमल से पहले क्या है 43, है ना। अब इसको और इजी बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि यहां डिसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और यहां डिसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। आप यहां 0 देकर इसको बराबर कर दो ताकि इसे ऐड करने में आसानी हो, और यहां लिखिए डिसिमल के पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, यहां कितना है 1, इसमें भी आप 0 दे दीजिए, तो यहां भी 2 2 हो गया, यहां भी 2 2 हो गया, क्योंकि ऐसा रूल है कि डिसिमल के बाद के डिजिट के बाद 0 दे सकते हैं और डिसिमल के पहले जो डिजिट है उसके पहले 0 दे सकते हैं, तो यहां पर आपको ऐड करने में आसानी होगी, इसीलिए मैंने दिया। अब यहां पर आपको करना है प्लस, वेरी सिंपल, 0 and 2 2 हो गया, 5 and 0 5 हो गया, यहां पर डिसिमल 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 हो गया, 2 3 5 हो गया, 0 and 4 4 हो गया। तो ऐसा जरूर करेंगे, यहां बराबर जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं कि जैसे 2 के नीचे 3 लिखना है ना, तो 3 को यहां पर लिख देते हैं, 4 को आगे इधर कर देते हैं, मतलब सही जगह पे नहीं लिखते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिसिमल के बाद और डिसिमल के पहले डिजिट को इक्वल कर देना, ताकि जो भी डिजिट है वो आपने सही जगह पर रहे, ताकि ऐड करने के बाद रिजल्ट रॉन्ग नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऐड करने आ गया होगा, राइट। अब आइए मैं बताऊं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, 3x.25 - 4.3, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 3x लिख दिया, 0.25 लिख दिया, हो गया। अब आपको करना है माइनस 4.3 है ना, तो पहले इसका डिसिमल यहां पर लिख देंगे, सबसे पहले डिसिमल लिख देंगे। अब डिसिमल के बाद क्या है बोलिए, 3 है, यहां 3 लिख देंगे,
और डिसिमल के पहले क्या है, फोर है, यहाँ फोर डिजिट हो गया। अब यहाँ पर बराबर की, डिसिमल के बाद यहाँ टू डिजिट है, यहाँ भी टू डिजिट की जीरो दे दीजिए, और यहाँ भी डिसिमल के पहले टू डिजिट है तो यहाँ पर आप जीरो दे दीजिए, पहले इक्वल कर दीजिए, इक्वल जरूर कर दीजिएगा तभी सही, तभी आपसे सही बनेगा। अब क्या कीजिएगा, माइनस करना है तो फाइव में माइनस जीरो, ठीक है। अभी एक चीज बताते हैं आपको, अगर यहाँ पर जीरो नहीं लेते तो सोचते हैं कि फाइव में से किसको घटाना है, तो यहाँ पर आप जीरो दे दिया तो समझ में आ गया कि फाइव में से जीरो घटाना है, तो फाइव माइनस जीरो फाइव हो गया। अब टू में से थ्री माइनस होगा नहीं, तो हम यहाँ से वन कैरी ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा ट्वेल्व, तो ट्वेल्व माइनस थ्री यानी नाइन हो गया। अब तो ये बन गया कितना, अब ये सेवन बचा, तो सेवन माइनस फोर थ्री हो गया, ठीक है। और ये थ्री माइनस जीरो, अब देखिए यहाँ पर अगर जीरो नहीं लिखते हैं तो सोचते हैं भाई कि थ्री में से किसको घटाना है, इसीलिए जीरो यहाँ लिख दिया। अब थ्री माइनस जीरो कितना हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। और डिसिमल के सामने डिसिमल लिख दिया, फाइव माइनस जीरो फाइव, ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन, सेवन माइनस फोर थ्री, थ्री माइनस जीरो थ्री, देखो कितना आसान है ना। अब आइए नेक्स्ट बताए, अक्सर बच्चे डिसिमल वाले प्रॉब्लम में परेशानी में पड़ जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में क्या है, टू पॉइंट थ्री इंटू फोर पॉइंट फाइव है ना। देखिए अगर यहां पर डिसिमल नहीं होता तो अगर सिर्फ लिखते हैं ट्वेंटी थ्री एंड फोर्टी फाइव, अब बच्चे को कहते हैं मल्टीप्लाई नहीं, वेरी इजी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मगर जहां डिसिमल आए तो क्या सरदर्द पड़ जाता है, ठीक है। अब डिसिमल है कैसे बनेगा, तो आइए देखें कैसे बनेगा, कुछ नहीं आप समझिए कि डिसिमल है ही नहीं, बस सिंपल मल्टीप्लाई करने वाला जब क्वेश्चन होगा, यानी वैसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप थोड़े देर के लिए डिसिमल को भूल जाए, समझिए डिसिमल है ही नहीं, हो गया। जैसे कि आप ऐसे बनाइए, मान लीजिए कि डिसिमल है ही नहीं, ट्वेंटी थ्री लिखिए और यहां फोर फाइव लिखिए, मान लीजिए डिसिमल है ही नहीं, अब तो आसान हो गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, फाइव थ्री का फिफ्टीन, हैंड में रहा वन, फाइव लिख दिया और हैंड में वन रहेगा, फाइव टू का टेन एंड वन कितना हो गया, फाइव टू का टेन एंड वन इलेवन, ठीक है। अब फोर थ्री का ट्वेल्व, हैंड में रहा वन, अब फोर टू का एट एंड वन नाइन हो गया, यहां लिख दिया फाइव वन एंड टू थ्री एंड वन एंड नाइन टेन, ये मल्टीप्लाई कर दिया बगैर डिसिमल में, डिसिमल अभी हमने नहीं लिखा, ठीक है। फाइव थ्री का फिफ्टीन वन बचा, फाइव टू का टेन एंड वन इलेवन, फोर थ्री का ट्वेल्व वन मेरा वन, फोर टू का एट एंड नाइन, फाइव वन टू थ्री एंड वन नाइन टेन हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी सिंपल, ठीक है, डिसिमल नहीं लिखा। अब हम यहाँ क्या है, टू पॉइंट थ्री इंटू फोर पॉइंट फाइव, यहाँ पर लिख दिया टू पॉइंट थ्री इंटू फोर पॉइंट फाइव, अब यहाँ पर जो आंसर आया है टेन थ्री फाइव, क्या करेंगे, यहाँ डिसिमल के पहले कितना, डिसिमल कितने डिजिट के पहले है, ठीक है, तो फाइव के पहले, यहाँ वन डिजिट के पहले और यहाँ भी वन के पहले, तो इधर का वन और इधर का वन कितना हो गया टू, तो यहाँ पर डिसिमल हम यहाँ पर दे देंगे टू डिजिट के पहले, दाएं साइड से, राइट साइड से टू डिजिट पहले। अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ डिसिमल नहीं होता, अगर डिसिमल नहीं होता तो हम डिसिमल कहाँ देते, यहाँ पर देते फाइव से पहले, समझ रहे हैं। अगर डिसिमल सिर्फ यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता, या यहाँ पर नहीं होता है यहाँ पर होता, तब डिसिमल कहाँ देते, सिर्फ फाइव से पहले देते, लेकिन यहाँ डिसिमल दोनों में है तो वन एंड वन टू डिजिट हो गया, तो डिसिमल हम देंगे टू डिजिट पहले। अगर थोड़े देर के लिए मान लीजिए डिसिमल यहाँ वन डिजिट पहले है और यहाँ टू डिजिट पहले, मान लीजिए सपोज यहाँ वन डिजिट पहले है और यहाँ टू डिजिट पहले, तब डिसिमल कहाँ दीजिएगा, तब यहाँ पर वन डिजिट पहले और टू डिजिट पहले यानी थ्री डिजिट पहले, यानी कि आंसर कहाँ होगा, आंसर होगा फाइव थ्री एंड जीरो छोड़ के यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका डिसिमल, मान लीजिए यहाँ पर इसमें भी टू डिजिट पहले है और इसमें भी टू डिजिट पहले, तो आपका डिसिमल कहाँ होगा, चार डिजिट पहले, यानी राइट साइड से फोर डिजिट पहले, मतलब कि आपका डिसिमल कहाँ पर होगा, बोलिए आपका डिसिमल होगा यहाँ, यानी कि फाइव थ्री जीरो एंड वन, ये चारों से पहले, यानी कि डिसिमल यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, इसलिए कि आपका डिसिमल है कहाँ, आपका डिसिमल है यहाँ और
यहां है, ठीक है। तो इसलिए डिसमल कहां हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, समझ गए। तो हम हर सब सभी कुछ बता दिया, डिसमल यहां होगा तो क्या कीजिएगा, डिसमल यहां होगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है। डिसमल बदलता जाएगा, यहां भी डिसमल का प्लेस बदलता जाएगा, लेकिन 1035 ये तो रह गई है, समझ रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन बताएं, अब लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड में, डिवाइड में कितना है 2.8/4। अब जैसे ही डिसमल में डिवाइड करना करने के लिए पूछा जाता है, मतलब कि अगर जो ऊपर का वैल्यू है न्यूमरेटर, ठीक है, डिविडेंड, अगर डिविडेंड डिसमल में है और डिवाइड करना है तो बच्चे को बहुत भारी लगने लगता है, ये तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन वेरी इजी है। कैसे, आप जैसे मल्टीप्लाई जब मैंने करने को कहा था तो डिसमल तो कहा था थोड़ी देर के लिए भूल गई, उसी तरह से डिविजन में भी थोड़ी देर के लिए डिसमल भूल जाए, समझ गए, नहीं यू फॉरगेट, ठीक है, यू फॉरगेट डिसमल। मान लीजिए ये डिसमल नहीं है, इसे थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 28 है, डिसमल है ही नहीं, तो अब जब 28 है तो 28 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो 7 हो जाएगा डिसमल, अगर बताइए 7 होगा ना, तो 7 हो गया। अब आपको देखना है कि ये डिसमल कितने डिजिट से पहले है, बोलिए 1 डिजिट से पहले है, तो यहां पर डिसमल लिखा जाए, बहुत सिंपल, और उसके बाद डिसमल के पहले 0 दे दीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि डिसमल यहां पर नहीं होता, डिसमल यहां पर होता, तब क्या करते, कभी वैसे करते 4 7 28 लिख देते, और डिसमल कितने डिजिट के पहले दीजिएगा, यहां तो 2 डिजिट है और यहां तो 1 ही डिजिट है, 2 डिजिट आएगा कैसे, तो यहां पर 1 0 लिख देंगे और उसके बाद यहां पर डिसमल दे देंगे, हो गया सिंपल। लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में डिसमल कहां है, आपके क्वेश्चन में डिसमल यहां पर, तो हम डिसमल कहां देंगे, यहां पर देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, 5 पर देखते हैं, हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका 0.28, ठीक है, 4/4 ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन बढ़ा लिया मैंने, तब क्या कीजिएगा, यहां डिसमल तो 2 के बाद था और 8 के पहले, यहां 2 8 से पहले यहां डिसमल, यहां तो क्या कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा 4 7 28 और 2 डिजिट पहले डिसमल है, तो यहां पर तो 1 ही डिजिट आया है, तो 1 0 बढ़ा दिया, अब यहां भी 2 डिजिट हो गया, तो फिर यहां पर डिसमल दे दिया और उसके पहले 0 भी दे दिया, तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, एक क्वेश्चन ये भी बन गया, यानी 5 क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने डिसमल में डिसमल में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब कुछ जान लिया, और डिसमल वाला अगर प्रॉब्लम्स आप सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपने सीख लिया, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट को परेशानी होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इस वीडियो को काइंडली ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और सीखें, ठीक है। बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ लॉकडाउन, बहुत सारे स्कूल जो है वो क्लोज है, बंद है, कोचिंग भी बहुत सारा बंद है, तो अगर ऑनलाइन अगर बच्चे सीखते हैं, ठीक है, वीडियो से सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये दिस इज वेरी गुड जॉब। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखे, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखे। ओके, ऑल राइट।